हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मदीना गोट फार्म। आज हम आप सबको अपने पलाई का बकरे सब खोल खोल के दिखाने वाले हैं खुले में। ये हमारा मिनी बरबरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। ये बकरा देखो, एक महीना कल इसको हो जाएगा, आज 16 तारीख आज की है ना, 17-18 तारीख को इसको अपना हो जाएगा इंशाल्लाह एक महीना। और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में अच्छा रिजल्ट और अच्छे तैयारी पर आया है बकरा, हो रहा है। इतने जल्दी खैर बकरा तैयार होते नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे खिलाई पिलाई का, वो अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा नवेद भाई, थोड़ा लेके जाओ उसको, चला के लाओ। देखो भागने में तुरतुरा सब है, इधर लाओ। या माशाल्लाह, देखो भाई लोग, शौक बड़ी चीज है। मैं आपको बोलता था ना, शौक करना है तो फिर पैसा नहीं देखना चाहिए। ये देखो भाई, आप देखो माशाल्लाह जबरदस्त तैयारी पे आया है। लाओ बीटल लाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर। आप देखिए भाई कैसे बकरे तैयार हो रहे हैं और खाने में कितने जबरदस्त लपकते हैं, खाने के लिए जैसा लपकना चाहिए वैसा। वाला लाओ, बीटल वाला लाओ। जबरदस्त बकरे तैयारी पे है भाई, माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। तैयार करना है अपने को इंशाल्लाह, रिजल्ट देना है, आउटपुट। अपन जो भी काम कर रहे हैं आउटपुट के साथ कर रहे हैं, हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए कर रहे हैं अपन, है ना। कस्टमर खुश रहे बस, हमारे शौक बढ़े, दिन ब दिन शौक आए। अभी आप जो बकरा आ रहा है उसको भी एक महीना, वो एक ही पार्टी के है, हमारे एक ही पार्टी के सब बकरे हैं वो। अभी हम आपको जो दिखाने वाला हूँ आप देखना। अभी ये देखो गाइस, ये बकरा जब आया था तो कैसा था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए भाई, वीडियो देखते जाइए, जानवर जो जो देख रहा है, इधर लो नवेद भाई, जो जो देख रहा है माशाल्लाह लिखते जाओ भाई। बकरे तैयारी पे, देखो भाई तैयार हो रहे हैं बरोबर, धीरे धीरे। देखो गाइस दौड़ भाग चलने फिरने में अल्हम्दुलिल्लाह बकरे चंचल, माशाल्लाह पेटी वेटी बना रहा है। मैं आपको ये वीडियो, मेरा बनाने का मकसद ये है कि आज आप लोग ये बकरे देख लो इंशाल्लाह, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक या दो महीने के बाद फिर दिखाऊंगा ये बकरे कि अभी एक महीने में माशाल्लाह से हमारे जो कस्टमर आए थे उनके पास ये घर पे पालते थे बकरे, जो इससे पहले बर्बरी है, इसके बाद का जो बकरा आएगा और ये वाला, उनका जब दिए थे उन्होंने मेरे को पलाई पे, तो ये बोल के दिए थे कि भाई बीटल बहुत कम खा रहा है, बहुत कम खाता है, बाकी माशाल्लाह से दो बकरे तो उसके उनको उनके हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन ये बकरों की थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन माशाल्लाह से अपने पास आया जब से अल्हम्दुलिल्लाह से ये 5 से 6 किलो वेट बढ़ाया है और अपने पास खा भी रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छे से। और एक बहू वाला लाओ नवेद भाई, रेड वाला, उसका भी हम दिखाएंगे। देखो गाइस रिजल्ट के लिए काम होता है बकरे, शौक करने वाली चीज है, पैसा देखने वाली चीज नहीं है भाई। ये जिसको शौक है वो बरोबर समझ सकता है कि पलाई क्या चीज है और पलाई का काम क्या चीज है ना। बेहतरीन एटमॉस्फेयर अल्हम्दुलिल्लाह, देखो गाइस मैं आज आपको बकरे पूरे दिखाऊंगा, आज आप एक एक करके सब बकरे देखो इंशाल्लाह, सबको मैं आप सबका रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्या रिजल्ट जा रहा है, क्या रिजल्ट इंशाल्लाह आज बकरे जो है प्लस में है, फिर इंशाल्लाह एक दो महीने बाद जब अच्छे से और वेट अब ज्यादा, हर महीने तो वीडियो गाइस बना के दिखाना। देखो गाइस देखो पेटी वेटी जबरदस्त आ रही है बकरों की, तैयार हो रहे भाई बकरे, देख के खुश हो जाए दिल, ऐसे बकरे तैयार हो रहे माशाल्लाह होंगे इंशाल्लाह भाई। आप लोग दुआ करिए, अपना प्यार ऐसे बना के रखिए, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो गाइस, फीडबैक दो, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका फीडबैक हमारे लिए। कमेंट में आप ज़्यादा हमको बताइए क्या हमको और करना चाहिए और क्या हम सुविधा प्रोवाइड करें अपने फार्म पर, और क्या क्या और अच्छे से अच्छा क्या हम लोग अपने फार्म पर लाएँ जिससे आप लोग हमारे फार्म पर। बांधो भाई इसको, ये खस्सी वाला खोलना भाई, उसको वहां बांधो जहां बांधा था।
भाई अभी तो केजेस का थोड़ा सा चालू है प्लानिंग, बकरे आ जाए और बकरे लाएंगे, बकरे दिखाएंगे आपको। भाई ये कोटा खोलो कोटा। वो खस्सी तो अभी क्या हुआ, हफ्ता भर हुआ, हफ्ता भर भी नहीं हुआ ना उसको, उसको अभी दिखा। बकरी की तैयारी दिखाओ, बकरी की तैयारी देखो आप गाइस, जो तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। ये देखो इधर लाना है भाई, बीच में लाओ उनको, ये ऊपर कर लो, खींचो थोड़ा अच्छा। हाँ देखिए देखिए गाइस, खींचतान खेलना वेलना पेटी वेटी। देखो गाइस देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो बना रहे बकरे, तैयार है, साफ सुथरे एकदम। ठंडी में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है भाई बकरों को, है ना। धीरे से तुम हंसा खोलो ना, उधर पकड़ के रखना शौक। ये जबरदस्त माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कमेंट में लिखते जाना बकरों को देखकर। भाई जिसको और शौक है वो हमारे फार्म पे लाके बकरा पलाई पे रख सकते हैं, पलाई। ये देखो गाइस, अगर इसी बकरों का ये काम है, इधर ला लो खींच के। देखो गाइस फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों का फीडबैक, आप बताइए क्या कमी है, क्या पूरा करना चाहिए हमने, और क्या रिजल्ट तो आ रहा है। अच्छे बकरे भाई माशाल्लाह से, बंदो बंदो नोत भाई। ये देखो ये भी माशाल्लाह से भाई हमारे, ये भी बकरा सोल्ड आउट हो चुका है, और सोल्ड आउट होके हमारे पास ही पलाई पे आ गया है भाई ये माशाल्लाह से। यही बकरा देखिए गाइस, आज आप देख लो सब बकरे, मैं आपको दिखाता हूँ। आज ये बकरा देखो, ये गाइस माशाल्लाह अच्छे से कद काठी का बकरा है, जबरदस्त। ये देखो माशाल्लाह, ये हमारा घोड़ा, जबरदस्त घोड़ा बकरा है ये। देखिए गाइस तैयार हो रहे हैं भाई माशाल्लाह बकरे, रिजल्ट हम दे रहे हैं। शुरू करो तुम बकरा, बकरे कैसा है भाई, फिट फिट रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक वेट गेन करेंगे। फिट रहना बहुत जरूरी है बकरों का। फिट से मुराद ये है भाई कि बकरे एकदम सारे ऐबों से, बीमारी से दूर रहे, चलते फिरते रहे, हाजमा सही हो उनका, जो खा रहे वो उनको पच रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और एक्टिवनेस होना चाहिए बकरे में, एक्टिव रहे। जैसे ये देखिए माशाल्लाह से, आपको मैं जितने बकरे दिखाए सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक्टिव है ना। तो आप लोग देखो उसको, तो भाई ऐसे जब बकरे एक्टिव रहेंगे तो भाई खाएंगे पिएंगे तो भाई अपने उनके बॉडी को लगेगा है ना, हाजमा वो सही होना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा क्या होता है, बकरे अपन खिलाते हैं, बहुत खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह है ना, लेकिन बकरे बन नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न होता है भाई उनके पेट के अंदर का और उनके हाजमे से रिलेटेड डाइजेशन क्या जा रहा है, डाइजेशन सही है कि नहीं। अभी माशाल्लाह ये बकरे को भाई थोड़े देर पहले, आधा घंटा पहले इसने आधा लीटर दूध पिया है भाई, ये बकरे ने आधा लीटर दूध इसको पिलाया गया है। देखो माशाल्लाह ये बकरे की तैयारी जबरदस्त हो रही है भाई, सब बकरों के अल्हम्दुलिल्लाह हम फोकस कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से सब चला रहे हैं भाई। शाम के समय हमारा जो क्लोजिंग टाइम है, इसके बाद एक बार और दाना जाएगा, दाना दाना दाने पे जाके क्लोज होता है हमारा। बट ये एक थोड़ा सा हरा चारा ग्रीन फीडर बहुत ज़रूरी है, जो ये हमारे फार्म पे भी अवेलेबल है। देखो गाइस ये हम लोग इसलिए देते हैं, थोड़ा सा बकरों को ग्रीन फीडर भी बहुत ज़रूरी है, ग्रीन फीड बोले तो बहुत ज़रूरी है बकरों के लिए, तो वो हम देते हैं बकरों को अपने।
बाकी तो जो हमारा हेवी आइटम है, दाना, मिक्स फीड हो गई, और अपना भूसी, चोकर, ये सब, और जो सूखा चारा हो गया तुअर का, ये सब जाते ही जाता है, ये सब हम लोग देते हैं। ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा में हम लोग देते हैं बकरों को, कि माशाल्लाह से खाए पिए इनको, हरे हरे जो हरेपन से जो भी इनको विटामिन मिनरल्स मिलने वाले इनको पूरा मिले। देखिए भाई माशाल्लाह बहुत शौक से खाते भी है भाई बकरे, देखो। माशाल्लाह बकरे सब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इस पे देखिए कितने अच्छे से केयरटेकिंग होती है, बांध के भी। अभी देखो भाई ऐसे में तो बकरे को अभी तो केजेस की कोई जरूरत नहीं लग रही है, बकरे और आएंगे इंशाल्लाह। भाभी बकरा ईद को 6 महीने बाकी है, जो भाई को शौक करना है बकरा लेके रखने की जगह नहीं है वो हमारे फार्म पे लाके अपने बकरे रख सकते हैं। हमारा पलाई का जो चार्जेस है 2500 रुपये महीना है विद ऑल वैक्सीनेशंस, और उसमें खस्सी हो, अंडू हो या कोई बकरी भी हो तो हमारा 2500 रुपये मंथली चार्जेस है। उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे फार्म पे नहीं है, आपको 2500 रुपये देना है और हमारे फार्म पे बकरा लाके छोड़ना है। बकरा लाते समय कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होगी, आप बकरा लाके रख सकते हैं। देखिए गाइस माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त व्यू है भाई, बकरे बकरे अब एक दूसरे से कांटेक्ट में आ ही नहीं पा रहे हैं, माशाल्लाह खाने में एक सबका ध्यान है। सो गाइस आप लोग देखिए गाइस शौक भाई, इतने इतने लोगों के हमारे पास बकरे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज मैंने आपको बता दिया हूँ मेरे फार्म के पलाई के जो चार्जेस है वो भी बता दिया हूँ, क्या चार्जेस हम लेते हैं और क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है और कितना नागपुर किलो, नागपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पे है ना। सो गाइज चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दुआओं में याद रखो और हमारे लिए तरक्की की दुआ करो। चलो चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।